हम शुक्रगुजार हैं इस वक्त के हमारे सामने इस वक्त काजी मुश्ताक साहब हैं जो इस वक्त कुछन का दौरा करने के लिए आए थे यहाँ पे। इन्होंने यहाँ के हालात देखे और इन हालात में इनको ये नज़र आया कि कुछन के लोग एक तो सड़क से महरूम हैं और दूसरी बात जो यहाँ से रोड गई है, स्कूल जो है, स्कूल का बाथरूम, स्कूल का जो पलंग यहाँ पे है, पलंग भी और बाथरूम भी और किट भी, ये तीनों डैमेज PMGSY डिपार्टमेंट ने किया है। और यहाँ से जो रोड निकली है और रोड निकलने से पहले इन्होंने कोई नोटिस ना एजुकेशन किसी भी डिपार्टमेंट में इन्होंने कोई नोटिस नहीं भेजी है। नोटिस के बगैर इन्होंने तोड़फोड़ यहाँ पे की है। ये बाथरूम भी इन्होंने तोड़ा है, पेट भी तोड़ा है। उसके बाद जो पलंग यहाँ से है, पलंग इन्होंने दिया था, पलंग में भी इस वक्त पलंग भी डैमेज है। हमने एजुकेशन यहाँ जो स्कूल है इनके प्रिंसिपल साहब के साथ भी बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं आई है, ना हमसे पूछा गया। हम लॉकडाउन में यहाँ पे बच्चे मतलब स्कूल बंद था तो उनको कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया। ZDO ऑफिस जो है छात्रों में हमारा, ZDO ऑफिस में भी कोई इन्फॉर्म नोटिस नहीं इन्होंने भेजी है। CO ऑफिस जो किश्तवाड़ में है हमारा, कोई नोटिस नहीं भेजी है इन्होंने। नोटिस के बगैर इन्होंने इल्लीगल तरीके से यहाँ पे बाथरूम तोड़ा है और पेट भी तोड़ा है। उसके बाद यहाँ से इन्होंने बहुत बहुत बार, जो यहाँ हमारा स्कूल है, स्टाफ है, स्टाफ ने बहुत बार यहाँ से लेटर भी भेजा है, लेटर के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कानून की ना एजुकेशन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कानून की ना एजुकेशन की तरफ से कोई कार्रवाई हुई, ना PMGSY डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई हुई कि इनको बाथरूम मिलता बनाकर या पेट बनाकर देते, या ये जो ये यहाँ पे पलंग है, पलंग भी डैमेज है, पलंग भी इनको देते, या ब्रेस्ट वॉल जो नीचे से लगनी चाहिए थी। अब मैं कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कि वो थोड़ा ये दिखाए कि ब्रेस्ट वॉल कितनी यहाँ से हाइट है और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बच्चे अगर यहाँ से गिर जाते हैं तो उनको जानी नुकसान भी पहुँच सकता है। जो नीचे यहाँ पे खेत हैं, खेतों में इस वक्त छोटे छोटे बच्चे और टीचर तक खेतों में जा रहे हैं इस वक्त, और लोगों के खेत हैं, लोग गाली गलूच कर रहे हैं इन बच्चों को और इन टीचरों को कि आप हमारे खेतों में यहाँ पे पाखाना करने के लिए क्यों आते हो। लेकिन हम एजुकेशन से भी इतना ये गुजारिश करना चाहते हैं और PMGSY डिपार्टमेंट को भी गुजारिश करना चाहते हैं कि वो आए मौके पे, वो खुद देखे कि यहाँ के हालात किस नाजुक मोड़ पे पहुँचे हैं कि बच्चे इस वक्त जो हैं वो दर दर हो रहे हैं यहाँ पे। 10 मीटर की हाइट जो है यहाँ से ऊपर है, अगर यहाँ से कोई बच्चा नीचे गिरता है तो उसको ऑन स्पॉट डेथ भी हो सकती है। और यहाँ पलंग भी दिखाए कि पलंग देखो कितना लोहिदार बी की पंचायत है, जो एजुकेशन का स्कूल यहाँ पर आ रहा है 2 नंबर वार्ड में। यहाँ पर PMGSY डिपार्टमेंट ने ये रोड खोदी और डैमेज किया स्कूल का बाथरूम पिट डैमेज किया। उन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कोई इन्फॉर्म नहीं किया, तो PMGSY डिपार्टमेंट ने यहाँ पर नाइंसाफ़ी की और हमारे बच्चे जो यहाँ पर है वो उस अगले ज़मीन में जाते हैं, यहाँ पेशाब के लिए जगह नहीं है बैठने के लिए। तो हम रिक्वेस्ट कर, हम अभी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के सामने हैं और यहाँ पर जो PMGSY ने रोड खोदी है और इन्होंने ना कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया है, ना ही स्कूल वालों को कुछ पता है इसके बारे में, कुछ भी नहीं पता बाथरूम के बारे में। बच्चे जो हैं वो दूसरों की खेतों में पाक खाने के लिए जाते हैं और सामान बच्चे लोगों से ज़मीन मन गान लुख तक गाली गलोच दिवान गुजारिश कर डिपार्टमेंटस कर जल्द से जल्द मतलब ब्रेस्ट वार दी बाथरूम है तेज सैन बच्चे वसान दरबदर रोड खोद PMGSY वालों रोड खन कर पेट डैमेज बाथरूम गई सैन डैमेज यद गो वरी लग भग कि सान लड़कन वारा मुश्किल ये स्कूल बच्चन वारा मुश्किल तुम पान वो कि आस पास लोगों फसल तो जमीन बच्चे गसन यहाँ फसलन मज पाखान कर खतर और जमींदार मालिक तुम गाली गलोच कर वक्त वक्त वारा मुश्किल बच्चन हिंस कि डिपार्टमेंटस गुजारिश कि ये कर जल्द से जल्द कार्रवाई।